हुआ है ना? हो गया सर, यस सर। ओके ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो सर बेसिकली इनकम टैक्स क्लास है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो लेट हुआ, नो इशू। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर आज का इनकम टैक्स क्लास। गुड मॉर्निंग अगेन। तो इनकम टैक्स में आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, एक मिनट सर रुको। जैसे कि मैं बोल रहा ना, सबका नेटवर्क इशू चल रहा है तो दिक्कत हो रही। तो जैसे इनकम टैक्स क्लास में हम लोग लास्ट वीक पढ़ रहे थे सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, याद है आप लोगों को किस तरह से लॉस एडजस्टमेंट होता है, या फिर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना, डिफरेंट हेड के साथ जो एडजस्टमेंट होता है। तो इस तरह का चीज हम लोग लास्ट वीक डिस्कस किए थे, है ना। तो आज मैं क्या डिस्कस करूंगा सर, आज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर मैंने नोट्स शेयर नहीं किया तो वो मैं कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ पॉइंट इज द सर, आज का डिस्कशन का विषय है TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। नाम तो सुना ही होगा आप लोग, बोलो yes. है ना, नॉट जस्ट कि TDS, TCS, एडवांस टैक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक आप लोग जब बिजनेस प्रोफेशन करते हो, कैपिटल गेन करते हो, या फिर आप जब भी आप सैलरी पढ़ते हो, आपको TDS या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको TDS का, इवन अदर सोर्स में, मतलब ईच एंड एवरी फाइव हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आपको बहुत सारे जगह में TDS कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत किया जाता है ना, कि सर इसमें TDS अगर काटा है कि नहीं काटा। और ऐसे भी इन आवर डे टू डे लाइफ हम लोग जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर किसी को सैलरी पे करते हैं, कहीं पर अगर कोई शेयर परचेस करते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर सेगमेंट्स में हमसे TDS काट लिया जाता है। तो बेसिकली ये TDS है क्या, क्या आइडिया है आपको TDS के बारे में, बताइए थोड़ा। टैक्स कलेक्टेड है, तो सर वो टैक्स काट के सैलरी देते हैं मतलब। वेरी गुड सर, कि टैक्स काट के सैलरी पेमेंट होता है, है ना। इसका मतलब रिकवरी ऑफ टैक्स, मतलब आपको पेमेंट करने से पहले वो आपसे टैक्स काट लेता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया है ना, क्या बोलते हो, गवर्नमेंट के लिए काफी श्योर शॉट है, आपको गवर्नमेंट को काफी हेल्प हो जाते हैं कि कब कौन रिटर्न फाइल करेगा नहीं करेगा, इसके लिए गवर्नमेंट को इतना चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ता, है ना। वो TDS पहले से ही काट लेता है, जब भी उनका पेमेंट ड्यू होता है TDS काट के पेमेंट कर देते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो वही चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ TDS के बारे में, TCS क्या है वो भी बताऊंगा, और एडवांस टैक्स भी बताऊंगा। एडवांस टैक्स सर जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पेमेंट किया जाता है ना, आप प्रीवियस ईयर में जो इनकम करते हो असेसमेंट ईयर में एक्चुअली आप क्या करते हो, टैक्स पे करते हो, है ना। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ, है ना। प्रीवियस ईयर में कमाना है, असेसमेंट ईयर में गवाना है, लेकिन पॉइंट इज दैट जब बात एडवांस टैक्स का होता है तो प्रीवियस ईयर के इनकम का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट किया जाता है, ऑब्वियसली नॉट एट ए टाइम, आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का मौका दिया जाता है। उसका चर्चा मैं आपको एडवांस टैक्स को डिटेल्स पढ़ाते वक्त बताऊंगा। जैसे ये TDS, TCS, एडवांस टैक्स मैं आपको समझा दूंगा, सेक्शंस वाइज समझाऊंगा, डिटेल्स में बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट और टोटल इनकम पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब टोटल इनकम कैलकुलेशन, जिसमें सारा का सारा हेड रहेगा, ठीक है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ हेड रहेगा, और उस हेड से आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ हेड से आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उसके साथ आपको TDS एडवांस टैक्स का क्या करना होगा सर, कैलकुलेशन भी करना होगा। तो इस तरह से मोटा मोटी जैसे TDS, TCS, एडवांस टैक्स करा दूँ, फिर मैं आपको टोटल इनकम कराऊंगा, उसके बाद मैं रिटर्न फाइलिंग के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग रिगार्डिंग जो भी जो जो सेक्शंस है, जो करंट अपडेशंस है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर से रिविजन कराऊंगा बेसिक लेवल से, ठीक है। लेकिन जब मैं टोटल इनकम कराऊंगा, टोटल इनकम कराते कराते बहुत सारा बेसिक बात फिर से चर्चा हो जाएगा, ठीक है,
और उसके बाद अगर किसी का कोई भी हेड्स ऑफ इनकम मिस है उसके बाद में फिर से जब रिवाइज करूंगा तब कर लेना, या फिर मेरे से अभी क्लास लेके आप हेड्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। तो इसी तरह से इनकम टैक्स आगे बढ़ेगा। तो चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ आज के डिस्कशंस में। स्क्रीन शेयर है कि नहीं थोड़ा इतना बता दीजिएगा। यस सर। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं सर, ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है आपका एडवांस टैक्स, TDS एंड कलेक्शन ऑफ TC टैक्स का चैप्टर, ठीक है सर। ये चैप्टर कब यूज होता है सर? ये चैप्टर बेसिकली टोटल इनकम के साथ यूज होता है, मतलब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे ही इसका एक्चुअल इस्तेमाल होता है। तो अभी मैं इसका एक्चुअल यूज तो आपको कल के क्लास में बताऊंगा, बिकॉज कल मैं टोटल इनकम का क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि किस तरह से आपको एडवांस टैक्स, TDS, TCS को कंप्लीट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करना है। जैसे आप किसी क्लाइंट का मतलब टैक्स मैनेज कर रहे हो तो ऑन दैट टाइम आपके सामने ये TDS, TCS, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, ये सारा का सारा सोर्स आएगा। और अगर आपका कोई ऐसा टैक्स है तो उसको कब कितना कैसे एडजस्टमेंट करना है। ऐसे तो मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में अगर आप प्रोफॉर्मा जब आपको बताया था ना उस टाइम पे मैंने इसके बारे में चर्चा करके रखा था, ठीक है। कि अगर कोई पुराना टैक्स, कोई एडवांस टैक्स, कोई TDS किसी का है, अगर किसी ने टैक्स पे कर दिया था, कर दिया मतलब देता है, तो फिर उसको बाद में माइनस करने का मौका मिलता है। तो वो एडवांस टैक्स का इस्तेमाल का एरिया है, यूज ऑफ एरिया है, ठीक है। वो सभी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट सर, मैं आपको जो बार बार बोल रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा ये TDS, TCS, एडवांस टैक्स है क्या, ठीक है। उसके बाद आपको इसका कैलकुलेशंस और इसका यूज आपको समझाऊंगा। बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है सर, मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज रियल लाइफ में TDS का काम बहुत होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक एरिया है। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो तो फिर आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से गवर्नमेंट के घर में जो आपको टैक्स जमा करना पड़ता है उसमें TDS, TCS, एडवांस टैक्स इज अ बिग सोर्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स में TDS, TCS, एडवांस टैक्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है और आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इग्नोर तो छोड़ो, आपको बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करना होगा, ठीक है। ओके, जैसे कि आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग मोटा मोटी अगर सेक्शन वाइज बात करूँ तो 192 से डिस्कशन चालू होगा, सेक्शन 192, 192A, ठीक है, ये सब मेन मेन सेक्शन यहाँ पर मेनली बात होगा सर, ठीक है। 192, 192A, सभी सेक्शंस का जो ओवरऑल क्राइटेरिया है, कॉन्सेप्ट है, वो सभी चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो 192 क्या है, 192A क्या बताता है, 193 क्या बताता है, 194 क्या बताता है, 194A क्या बताता है, ठीक है, 194C क्या बताएगा वो भी बताऊंगा, 194B क्या बताएगा, ठीक है। बहुत ही ईच एंड एवरी सेक्शंस का इस्तेमाल है और सभी का रियल लाइफ यूज भी एकदम धमाकेदार है। 194BB, 194C, ठीक है, 194D, 194DA, सर अभी रटा रहे हो क्या? हाँ सर, थोड़ा सा आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि क्या क्या सेक्शंस मोटा मोटी बात करना है, एक बार बस आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ आपको, फिर आगे आगे चर्चा ही रहेगा। 194E, 194EE, 194G, ठीक है। तो ये सब TDS, TCS, एडवांस टैक्स का सेक्शंस होता है। 194H, लेकिन किसके लिए कौन सा सेक्शन है, 194I, ठीक है, 194I, 194IB, 194J, 194IC, 194K, काफ़ी लंबा सेक्शन का एरिया है, K के बाद है LA, 194K, 194LA, 194MN, ये थोड़ा सा मुझे रोटेट करना पड़ेगा, मैं बाद में कर दूंगा सर, ठीक है। तो इस तरह से आपको 194, 193, 192 रिलेटेड डिफरेंट सेक्शन आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा, ठीक है सर। ये सब सेक्शन हमें क्या बताता है, आपके मन में यही सवाल चल रहा है सर, ये सब सेक्शन के बारे में आप तो बोल दिए, लेकिन ये सब सेक्शन के थ्रू से आपको क्या हेल्प मिलने वाला है, या इनकम टैक्स में आप इसका क्या सुविधा या असुविधा यूज़ कर सकते हो, है ना, इसका किस तरह से इसको यूज़ करना है, कैसे उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्रिएट करना है और इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज़ कहाँ है। तो दैट इज़ दी वाइटल डिस्कशन ऑफ टुडे, ठीक है। तो चलो मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूँ, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सैलरी पेमेंट करते हो, ठीक है, किसी को 192 आपको सैलरी पेमेंट के बारे में बात करता है। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको आइडिया दे रहा हूँ, रूल्स एक बार बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हो थ्रेशोल्ड लिमिट
फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो सैलरी पेमेंट के टाइम पे आप टीडीएस कट सकते हो, ठीक है? तो टीडीएस काट के आप सैलरी पे करोगे, तो किसका काटोगे सर? पेयर एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी। पे कौन होगा सर? इंडिविजुअल एम्प्लॉय से होगा, ठीक है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी, मतलब जो पेयर मतलब एम्प्लॉयर है जिनको ये पेमेंट करना पड़ता है, किसको? पेयर मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर, पे मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय। ओके सर, तो सर बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट जो है आपको पता है सर, इनकम टैक्स में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट कितना है? 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, एज द केस में भी मतलब 5 लाख, मतलब 2.5 लाख किसके लिए? 2,50,000 इज फॉर, बोलो सर बेसिक लिमिट, 2,50,000 बिलो 60 है ना, अप टू 60 ऐसे भी बोल सकते हो, अप टू 60 साल तक का एज है तो आपका बेसिक लिमिट है, मैक्सिमम 2.5 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। आपका इनकम 3 लाख है अप टू 3 लाख, अगर आप सीनियर सिटीजन हो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। अगर आपका एज 5 लाख 80 प्लस है और आपका इनकम 5 लाख तक क्रॉस कर जाता है तो आपको अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, अप टू 5 लाख तक, ठीक है? तो दिस इज टेकन केयर फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ एडवांटेज एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये मैं आपको इसका यूज कैसे करना है, किस तरह से करना है, मैं आपको क्वेश्चन और केस लॉस बताऊंगा ना तो क्लियर होगा। तो जब बात यही है कि पेयर जो है वो बेसिकली टीडीएस काटेगा, किससे काटेगा? पेई से काटेगा, पेई मतलब इंडिविजुअल या एम्प्लॉय से काटेगा जब सैलरी पेमेंट होगा तब, ठीक है? सर रेट ऑफ टीडीएस का क्या है? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स, जो एवरेज इनकम टैक्स का रेट है वही रेट के हिसाब से कंप्यूट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स, ठीक है? जो रेट इन फोर्स है उसको एवरेज इनकम टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टीडीएस काट के कितना अमाउंट होता है और उसको कैसे यूज करना है। लेकिन आपको बस यही समझना है यहाँ पर कि टीडीएस किसके केस में कब कब काटा जाता है। 192A किसके लिए लागू होता है? 192A लागू होता है प्री मैच्योर विद्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्री मैच्योर विद्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो लोग लेटेस्ट में प्रोविडेंट फंड का क्लास कर रहे हो, स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, उनको पता होगा हम लोग प्रोविडेंट फंड में कल की क्लास में डिटेल्स किए, कल ही था क्लास, कल शाम को, ठीक है? तो वहां पर प्रोविडेंट फंड एक्ट को हम लोग पूरा छान मारे है ना सर, तो ठीक है जरूरी नहीं अभी, आप बस इतना समझ लो प्रोविडेंट फंड तो आप लोग इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर के अंदर भी पढ़े हो। सो प्री मैच्योर विदड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आप प्रोविडेंट फंड से प्री मैच्योर लेवल में कुछ विदड्रॉल करते हो तो पेमेंट और एग्रीगेट अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अगर आप 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो, ठीक है, कौन है? ट्रस्टी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम और एनी ऑथराइज पर्सन अंडर दिस स्कीम, वो होगा पेयर, ठीक है? मतलब जो बेसिकली पेमेंट करेगा आपको, किसको करेगा? इंडिविजुअल या एम्प्लॉय को करेगा जिनका प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा था। कितना काटेगा? 10% रेट काटेगा इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश द पैन, ठीक है? अगर पैन फर्निश नहीं करते, टीडीएस एट द रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट यूज होगा। अब ये मार्जिनल रेट कैसे कैलकुलेट होगा ये भी मुझे आपको आगे आगे बताना है, कैलकुलेशन दिखा के। नॉर्मल रेट क्या है? 10%। लेकिन अगर आप पैन वगैरह फेलियर हो जाते हो फर्निश करने में तो आपके लिए मार्जिनल रेट लागू हो जाएगा जो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है? अच्छा, कब कब टीडीएस काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ जब पेमेंट होगा उस टाइम पे जो ट्रस्टी है प्रोविडेंट फंड के, जो स्कीम ऑथराइज है, जो पेमेंट करेगा इंडिविजुअल्स को प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, वो ये टैक्स काट के हाथ में देगा और सर डायरेक्टली सरकार के घर में जमा करेगा। ये 192A ने बताया सर, ठीक है? तो अलग अलग केस में अलग अलग रेट है और अलग अलग उनका एरिया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, जैसे शेयर सिक्योरिटीज बॉन्ड आप लोग तो जानते हो है ना, तो अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज्यादा है इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग्स, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स, ठीक है, इसमें काफी सारा एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी है, मैं सभी चीज आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए डिटेल्स डिस्कशन करना होगा। मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि टीडीएस बहुत सारे केस में डिडक्ट किया जाता है और डिडक्ट करने के पीछे बहुत सारा वेरियस काइंड ऑफ प्रोविजन भी होते हैं। तो अगर आप 10,000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट पेमेंट करते हो ऑन 8% सेविंग्स में जो टैक्सेबल बॉन्ड्स, ठीक है, 2003 7.75% का बॉन्ड्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारा बॉन्ड है सर, ठीक है, 2003 में एक 7.75% इंटरेस्ट का बॉन्ड आया था, ठीक है, टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 का। अगर
5,000 से ज्यादा का भी कोई फाइनेंशियल ईयर में इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड पेड और क्रिएटेड टू ए रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ बाय अकाउंट पेचेक, ठीक है, और ग्रेटर देन नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन एनी ईयर केस, ठीक है। तो किस कौन कौन काटेगा, किससे काटेगा, जैसे क्वेश्चन है ना कि कौन डिडक्ट करेगा और किससे कटेगा डिडक्ट करेगा। सर एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो डिडक्ट करेगा। किससे डिडक्ट करेगा, एनी रेसिडेंट से जो इंटरेस्ट इनकम करेगा सिक्योरिटी से। कितना डिडक्ट टीडीएस काटेगा, 10%। ऐसे स्टैंडर्ड रेट इस केस में बहुत ज्यादा देगा मैं आपको, इन मैक्सिमम सिनेरियो आपको 10% दिखेगा, 10%। कब काटेगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेइंग, जिस टाइम पे आपके अकाउंट में वो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगा उस समय में होगा। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जैसे ये 194 देखो, मैं ये सब एक बार थोड़ा सा आपको रफली समरी बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल्स बात करना है सर, ये तो मैं कुछ डिटेल्स नहीं बोला अभी तक, एक एक सेक्शन में डिटेल्स जानना पड़ेगा आपको। ये TDS, TCS, एडवांस टैक्स का एरिया, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना यहाँ से, कि अगर स्टूडेंट इसको ठीक से पढ़ेगा नहीं ना तो एग्जाम में ना वो एकदम पूरा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा। और आपको प्रैक्टिस में भी, जब आप लोग ऐसे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स या फिर आप फार्म में काम करने जाओगे, ठीक है, जैसे देखो सर आजकल काफ़ी जॉब का प्रॉस्पेक्ट बढ़ गया है, CA, CS, CMA तीनों का। CMA तो एकदम लेटेस्ट में सबसे हाई डिमांडिंग जॉब के लिए बन गया है, CA तो हमेशा से है और CS का तो अपना अथॉरिटी है ही। ना कॉन्सेप्ट इज दैट जब भी आप एग्जीक्यूटिव के बाद या फाइनल के बाद जब भी आप फार्म में जाओगे तो आपका ये सब नॉलेज चेक करेगा, ठीक है, और तब आप क्या बोलोगे, नहीं मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, तो फिर बेकार हो जाएगा इतना मेहनत करना, ठीक है। सो काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने का कोशिश करो और ऑब्जेक्टिव सोचो कि जब आप फार्म में ट्रेनिंग करेंगे या किसी फार्म में आप आर्टिकल ट्रेनिंग या स्टाइपेंड के थ्रू से, स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलता है आजकल, ठीक है, पुराने जमाने जैसा है नहीं। सो आपका ऑब्जेक्टिव जो भी हो, आप एक बात हमेशा रेडी रहने से नॉलेज एकदम फुल प्रूफ लेना है, ठीक है। अच्छा 194 डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स किसी कंपनी में, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कोई अगर रिसीव करेगा, अगर डिविडेंड अमाउंट 5,000 से ज्यादा है इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ डिविडेंड पेड और क्रेडिट टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर बाय एनी मोड और अदर देन कैश, इंडिविजुअल शेयर होल्डर बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश छोड़ के किसी और मोड में अगर 5,000 से ज्यादा है, ठीक है, और बाकी दूसरे केसेस में नो थ्रेशोल्ड इन अदर केसेस, ठीक है, दूसरे केसेस में कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी है उनका जो प्रिंसिपल ऑफिसर है जिनको बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, वो TDS कट करेगा, रेसिडेंट शेयर होल्डर से लेगा, मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, 10% का TDS काटेगा। कब काटेगा, बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी ये डिविडेंड पेमेंट करेगा, ठीक है, उसी टाइम पे बेसिकली ये 10% TDS काट के हाथ में प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड का इनकम प्रोवाइड करेगा। सो सर 10% आपको मैक्सिमम जगह में दिखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही 10% हो जाएगा, ठीक है, बट ये 10% इज अ स्टैंडर्ड रेट, 10% इज अ स्टैंडर्ड रेट, लेकिन बहुत जगह में 9% भी लग सकता है, ठीक है, तो कब 10% लगेगा, कब 30% का भी रेट है। देखो ये देखो, अगर आप हॉर्स रेस विनिंग वगैरह में तो आप लोगों को पता है 30% का टैक्स लगता है ना, तो ही वाला रेट ऑफ TDS हो जाएगा। अगर आप 194 BB के तहत विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वगैरह है, ठीक है, अगर आप 10,000 से ज़्यादा हॉर्स रेस से इनकम करते हो, ठीक है, रेस कोर्स में जो लोग पैसा लगाने जाते हैं, ठीक है, कौन पेयर है, बुक मैनेजर, बुक मेकर और ए पर्सन होल्डिंग लाइसेंस फॉर हॉर्स रेसिंग और फॉर अरेंजिंग फॉर वेजरिंग और बेटिंग इन एनी रेस कोर्स, ठीक है, रेस कोर्स में जो बेटिंग चलता है उन लोगों को पेमेंट कलेक्ट करना पड़ता है, टैक्स काटना पड़ता है। किसका कलेक्ट करेगा, एनी पर्सन जो भी घोड़ा घोड़ दौड़ में या हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं या बेटिंग करते हैं या वेजरिंग करते हैं, ये लीगल है सर, बिल्कुल लीगल है, ठीक है। और रेट ऑफ TDS जो है 30%, मतलब आपका जो भी पेमेंट होगा 10,000 से ऊपर, ठीक है, 30% टैक्स काट के आपके हाथ में देगा। कब करेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो 10% का रेट हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, केस टू केस डिपेंड करता है सर। सो आपको क्लियर कट नॉलेज लेना पड़ेगा कि कब 10% है, कोई दूसरा रेट है या नहीं है। जैसे 194C काफ़ी डिटेल्स है, 194C काफ़ी डिटेल्स है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन, जो काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं,
ठीक है, जो काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जैसे किसी को घर बनाना है, प्रोमोटिंग करवाना है, फैक्ट्री में लेबर भेजना है, आप लोग ये सब जीएसटी क्लास में भी पढ़ते हो ना, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बहुत सारा मैंने जीएसटी में भी बातचीत किया। तो क्या चल रहा है आज सबको? समझ में आ रहा है ना सर? जैसे देखो, अगर कभी भी आप सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड 30,000 से ज़्यादा करते हो, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ सम्स क्रेडिटेड और पेड टू ए कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1,00,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हो कॉन्ट्रैक्टर को, सिंगल सम क्रेडिटेड अगर 30,000 से ज़्यादा है, एग्रीगेट सम क्रेडिटेड अगर 1,00,000 से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, इंडिविजुअल ईच यू नीड नॉट डिडक्ट टैक्स वेयर सम इज क्रेडिटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है, पर्सनल पर्पस में अमाउंट है तो फिर वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट बाकी केस में कौन काटता है? सेंट्रल गवर्नमेंट काट सकता है, स्टेट गवर्नमेंट काटेगा, लोकल अथॉरिटी काटेगा, सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल कॉर्पोरेशंस काटेगा, कंपनी काटेगा, फार्म काटेगा, ट्रस्ट काटेगा, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल एक्ट डिक्लेयर्ड यूनिवर्सिटी अंडर यूजीसी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ फॉरन स्टेट और ए फॉरन एंटरप्राइज, ठीक है, ये सभी कोई टीडीएस काट सकता है आपसे, इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है, हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट्स from business or business and professions exceeds 1 crore in case of business or rupees 50 lakh in case of professions, agar business 1 crore se zyada hai turnover, agar profession se 50 lakh se zyada hai preceding financial year mein, to unko contractor ko payment karne se pehle aaj ho kya raha hai sir, bahut log bol rahe hai ki join nahi ho raha hai, koi bol rahe hai ki kintu किसी को तो दिखा नहीं रहा है, बोल से कि लॉबी पे देखा, बट लॉबी में तो कोई है नहीं। अब लोगों मेरा साउंड सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, पता नहीं क्या हुआ। ओके, तो सर आइडियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है पीडीएस का? अब मैं धीरे धीरे सारा पॉइंट डिस्कस करूंगा एक एक करके, ठीक है। तो ये बेसिकली टीडीएस की कहानी है, ठीक है, कि अलग अलग पेमेंट देना है लोगों को तो अथॉरिटी क्या करते हैं, पहले ही टैक्स कट मतलब कट करके फिर पेमेंट करते हैं, लेकिन इसको लेके आपको हर एक सेक्शन का रेट, हर एक सेक्शन का मैटर कि किस किस मैटर में कब कब टीडीएस काटेगा, कब कब टीडीएस नहीं काटेगा, एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, वो सभी नॉलेज आपको मैं अभी डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ सर, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक बनाने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अप्रिशिएट द मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम एन एसेसी, ठीक है। इनकम टैक्स रिकवरी करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर, comprehend and apply the provisions governing deductions of tax at source from certain specified income and payments, examine whether the tax is deductible in a particular case considering the provision of the relevant section and compute the tax deductible at source in respect of a particular cases, ठीक है। तो ये mainly इस particular area में हम लोगों को सीखने का purpose है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, सुनते পাচ্ছিস? তুই তো আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না, মানে তুই বলছিস লবিতে আছিস, আমাকে তো দেখাচ্ছই না কিছু, আজ অনেককেই এরকম হচ্ছে স্যার, অ্যাকসেপ্ট হচ্ছিল না কিছুতে, কি জানি আমাকে তো কিছুই দেখাচ্ছিল না, কি জানি কি হয়েছে আজকে, যখন থেকে সেই 11:30টা থেকে লিংক পাঠাচ্ছি তখন থেকে একটু সিচুয়েশনস গড়বড় করছে, দু একজনের তো হচ্ছেই না বলছে। ओके, तो इतना देर से मैं बेसिकली था और कुछ नहीं, मैं टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का मैं एक रियल लाइफ आइडिया देने का कोशिश कर रहा था,
कि इन डिफरेंट सिचुएशंस गवर्नमेंट क्या करते हैं, पेमेंट करने से पहले टैक्स कट कर लेते हैं, है ना। तो वही मेन बात है आज का, ऐसा कब कब सिचुएशंस होता है व्हेन गवर्नमेंट कट टैक्स प्रीवियसली बिफोर गिविंग पेमेंट, ठीक है। तो इसके लिए तीन कॉन्सेप्ट काम करता है, एक टीडीएस कॉन्सेप्ट काम करता है, एक एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट भी काम करता है। आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा। नॉर्मली एडवांस टैक्स में क्या है ना, ये प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जमा करो, मतलब 2022-23 का जो टैक्स होगा, ठीक है, अगर ये आपका प्रीवियस ईयर है तो यू हैव टू पे टैक्स ऑफ 2022-23 इन 2022-23, मतलब 22-23 का टैक्स 22-23 में ही पे करो, 21-22 का टैक्स 21-22 में ही पे करो, वो एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट है। और TCS जो है वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, मतलब आप खुद ही टैक्स कलेक्ट कर लेना अपनी सोर्स से। तो वो कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले आप TDS को अच्छे से जानो। तो TDS में मैंने आपको वो जो सेलिब्रिटी वगैरह भरते हैं दिखाता है इतनी इतना टैक्स भरा इतना, तो लोग एडवांस टैक्स भरते होंगे ना। हाँ, हाई इनकम ग्रुप तो एडवांस टैक्स ही भरते हैं सर, ठीक है। और कंपनी वगैरह के लिए एडवांस टैक्स मस्ट है, मैंडेटरी है, वो सब चीज़ मैं एडवांस टैक्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा धीरज रखो, एक एक करके बात को पूरा करेंगे। डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स जो है सेक्शन 192 से लेके 196 के अंदर उसके बारे में बात किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट, उसके लिए 197 बात करता है, एंड नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस 197A बात करता है, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजन जो है वो 198 से 206AB बात करता है, ठीक है। और एडवांस टैक्स का जो एरिया है वो मेनली 207 से लेके 208, ठीक है, कि कब कब किसको किसको लाइबिलिटी है एडवांस टैक्स पे करने का, वो 207-208। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 209। इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स, जो मैं आपको बोल रहा था कि एडवांस टैक्स आप एट ए टाइम नहीं देते, आपको इंस्टॉलमेंट देने का मौका दिया जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट में प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोला, जैसे ये जो 22-23 चालू हुआ है ना, ये 22-23 का जो टैक्स है, कोई सवाल कर सकते हो सर कि सर मेरा कितना इनकम इस साल होगा, ठीक है, 22-23 प्रीवियस ईयर में मैं कितना इनकम करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा। सर कंपनी बिजनेस के ऊपर क्या है ना, ये लोग बिजनेस के ऊपर फोकस करके किस साल बिजनेस अच्छा होगा कम होगा एवरेज इनकम टैक्स पे कर देते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ मैच करते हैं। और अगर इनका कुछ एडवांस हो जाता है तो इनको रिफंड कर दिया जाता है, अगर कुछ बेसिकली कलेक्ट करना होता है तो डिमांड नोटिस, ठीक है, गवर्नमेंट इनको भेज देते हैं कि भाई तुम्हारा टैक्स ज़्यादा हुआ है तो तुम बाकी टैक्स पे कर दो। रिटर्न फाइलिंग करके करने के बाद वो करने के लिए गवर्नमेंट उसको रिफंड नोटिस भेज देता है, रिफंड नोटिस या डिमांड नोटिस, मतलब अगर गवर्नमेंट को मिलेगा तो गवर्नमेंट डिमांड नोटिस भेजेगा, अगर आपको रिफंड मिलेगा तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करने का नोटिस भेजेगा। तो वो सब सेक्शन वाइज आपको मैं बात करूंगा, जो एडवांस टैक्स का 207-8, 209, 219 and 234B, 234C, ठीक है, ये सब एरिया में एडवांस टैक्स के बारे में बोला है। एंड फिर मैं आपसे बात करूंगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के अंदर 206C, 206CCA, 206CC, डिफरेंस बिटवीन TDS एंड TCS के बारे में चर्चा करूंगा, एंड कॉमन नंबर ऑफ TDS एंड TCS सेक्शन 203A के बारे में भी बात करूंगा। चलो सर इतना तो आइडिया लग ही गया कि सर क्या चर्चा होने वाला है, लेकिन अभी एक एक करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलो जैसे अगर आप थोड़ा सा नजर डालें, क्या बताते हैं सर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो सबसे पहले आज हम लोग TDS में बात करेंगे, ठीक है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट। नाउ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट जो है वो सेक्शन 190 का बात है, सेक्शन 190 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नाउ द टोटल इनकम ऑफ एन एसेसी फॉर द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल द टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 22-23, ये तो कॉमन सेंस है ना। प्रीवियस ईयर 21-22 जो हमारा लास्ट ईयर था, ठीक है, प्रीवियस ईयर 21-22 में हम जो इनकम करेंगे उसका टैक्स हम 22-23 में भरेंगे। हाउएवर इनकम टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ थ्रू, मतलब आप प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही रिकवर कर सकते हो, ठीक है, कैसे, TDS के थ्रू से, मतलब पेमेंट करने के टाइम पे ही आपने किसी किसी इनकम के लिए आपने टैक्स पहले से ही डिडक्ट कर दिया, कौन, गवर्नमेंट ने।
ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं करता है नॉर्मली, क्या अगर गवर्नमेंट के थ्रू से होता है तो गवर्नमेंट काटेगा, लेकिन अगर किसी और के थ्रू से है तो उनको बोलेंगे, जैसे एम्प्लॉयर के थ्रू से हुआ तो एम्प्लॉयर काटेगा और फिर गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा है सर, आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूँ मैं। 21, 22 and 22, 23 सर नॉर्मल सिनेरियो क्या है, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट करोगे असेसमेंट ईयर पे, ये नॉर्मल सिनेरियो है ना। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन किंतु है, लेकिन किंतु क्या है, लेकिन मानो कि 21-22 में आपने कुछ ऐसा इनकम किया, एसएससी ने कुछ ऐसा इनकम किया जिसके लिए उन्होंने टीडीएस या टीसीएस या एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया। सो अगर आप 21-22 में कोई टीडीएस टीसीएस इटसेल्फ थ्रू पेमेंट हो गया आपका, तो 22-23 में जब टोटल इनकम कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, जब 22-23 में आप टोटल इनकम कैलकुलेशन करोगे, तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे अगर आपका पुराना इनकम टैक्स पेमेंट है, ठीक है, टीडीएस के थ्रू से पेमेंट है, तो अभी टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे जैसे ही आपका नेट लायबिलिटी होगा उससे आप टीडीएस लायबिलिटी को लेस कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने टैक्स पेमेंट करके रखा लास्ट ईयर, तो जो आपने पहले ईयर में प्रीवियस ईयर में पेमेंट करके रखा वो आपको अभी और पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। तो वही बात है सर, मोस्टली सैलरी केस में तो ये होता है, अगर जिसका इनकम सिर्फ सैलरी से है उस पर तो सिर्फ यही करना होता होगा। मैं सैलरी क्यों, मैंने तो और भी 4-5 दिखाया। नहीं नहीं, अगर नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अगर जो सिर्फ अगर सिर्फ सैलरीड पर्सन हो तो उसका तो सिर्फ यही करना पड़ता होगा, टोटल इनकम कैलकुलेट करके टीडीएस माइनस को। हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस कलेक्ट करने का काम करता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको वही करते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल सैलरीड पर्सन है वो अलग से इनकम टैक्स फाइल करेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस कलेक्ट करता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस कलेक्ट करके जमा कर देगा, फिर अगर उसका दूसरा कोई इनकम सोर्स भी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके रिटर्न फाइल करेगा और पुराना जो भी टीडीएस वगैरह है उसको हिसाब किताब करके लास्ट में जब टोटल इनकम का कैलकुलेट करेगा उसमें कर दे, मतलब माइनस कर दे। सर ये चैप्टर करने के बाद मैं आपको टोटल इनकम कराऊंगा, ठीक है, तो आपको उसका ना वहाँ पर एडजस्टमेंट पूरा समझ में आ जाएगा कि टीडीएस टीसीएस के साथ क्यों कह रहा है। मैं कल ही कराऊंगा, ठीक है, मैं कल ही, कल के क्लास में, तो टुमारे के क्लास में ही आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले वही मैं सोच रहा था कि पहले आपको टोटल इनकम कराऊँ कि टीडीएस टीसीएस कराऊँ, फिर मुझे लगा कि नहीं एक बार टीडीएस टीसीएस क्या है एक बार बता देते हैं ना, तो फिर टोटल इनकम क्लास कराने से आपको सुविधा हो सकता है, इसलिए मेरे दिमाग में आ जाएगा कि नहीं टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स थोड़ा बता देते हैं, तो कल टोटल इनकम का कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के साथ हो क्या रहा है। ऐसे आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो एकदम इंडिविजुअल लेवल में टीडीएस टीसीएस का है, ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अच्छा, अनदर मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स इज एम्प्लॉयर थ्रू टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1A ऑन द नॉन टेम्पररी पार्क्विजी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। These taxes are deductible from the total tax due from the SSC. The SSC, while filing his return of income, SSC मतलब जिसका इनकम टैक्स पेमेंट होता है वो अपना रिटर्न फाइल करने के टाइम पे has to pay self-assessment tax. मतलब हम वो क्या करेगा, self-assessment tax पे करेगा under section 140A. ठीक है, if tax is due on the total income as per his return of income after adjusting in inter alia TDS, CCS and relief of tax. ठीक है, जैसे relief tax section 89 बात करता है, ये भी मैं total income में बताऊंगा आपको कि रिलीफ ऑफ टैक्स कब मिलता है, क्यों मिलता है। ठीक है, 89 में आप रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम कर सकते हो, तो टीडीएस टीसीएस रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम अंडर सेक्शन 89, टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, जो सेट ऑफ मैंने लास्ट वीक आपको कराया, एंड प्रोविजन ऑफ 115 जेडी, एनी टैक्स और इंटरेस्ट पेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 एंड एडवांस टैक्स। अगर कुछ भी एडजस्टमेंट करके उनको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, मतलब पुराना जो भी टैक्स उसने किसी भी कारण से प्रीवियस ईयर का देके रखा है, करेंट ईयर में मतलब असेसमेंट ईयर पे अगर उसका कोई भी एडजस्टमेंट करना हो तो वो कर सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 140A। अब आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। नाउ डायरेक्ट पेमेंट सेक्शन 191, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, सेक्शन 191 सबसेक्शन 1, सेक्शन 191 प्रोवाइड्स दैट इन द फॉलोइंग केसेस टैक्स इज पेएबल बाय द एसएससी डायरेक्टली एसएससी टैक्स पे कर देते हैं, जैसे कि In case of income in respect of which tax is not required to be deducted at source, जहाँ TDS काटने का जरूरत नहीं पड़ता, income in respect of which tax is liable to be deducted but is not actually deducted. In view of these provisions, the proceedings of recovery of tax necessarily had to be taken against the SSC whose tax was liable to be deducted but not deducted. जिसका tax deduct होना चाहिए पर हुआ नहीं है, ऐसे cases में direct payment करने का जरूरत पड़ता है। In order to overcome
अभी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए द डिफिकल्टी द एक्सप्लेनेशंस को देखो थोड़ा क्या बताते हैं लॉ. Sections provide that if any person, including the principal officer of a company, who is required to deduct tax at source, जिनको TDS काटना चाहिए, an employer paying tax on non-monetary perquisites, ठीक है, non-monetary perquisites मतलब जैसे कि salary chapter में आप लोग पढ़ोगे सर या पढ़ के आए हो कि जब कोई employer किसी employee को perquisites देते हैं, कुछ monetary perquisites भी होते हैं और कुछ non-monetary perquisites भी होते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह दे देता है, ठीक है भाई चलाओ गाड़ी चलाओ, ठीक है कंपनी के पर्पस में यूज करो, ठीक है मोटर कार वगैरह, ऐसे बहुत सारा पार्क्विजिट्स दिया जाता है. तो एन एम्प्लॉयर पेइंग टैक्स ऑन नॉन मैनेटरी पार्क्विजिट्स, इसको प्यार से पार्क्स भी कहा जाता है अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A, ये केस भी यहाँ पर देखा जाता है. डज नॉट डिडक्ट और आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे सच टैक्स और डज नॉट पे द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स, देन सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट. हाउएवर इफ एसएससी हिमसेल्फ हैज पेड द टैक्स, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई. ठीक है, मतलब अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया तो फिर ऐसे खुद से कर दिया तो फिर अलग से यूज करने का जरूरत नहीं होगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ता है ये सब केसेस. ठीक है, सेक्शन 191 आपको ये परमिशन देता है. अब आगे देखो, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स वेयर इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स. सर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब आप लोग जानते हो ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी में काम करने के लिए जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देते हैं, है ना, कि भाई मेहनत पसीना इतना बहाते हो कंपनी के लिए तो कंपनी आपको खुश होके इक्विटी शेयर देते. अलॉटेड और ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए कंसेशनल रेट टू द एसएससी बाय एन एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप. ठीक है, जो एलिजिबल स्टार्टअप कैटेगरी में आते हैं, सेक्शन 191 सबसेक्शन 2. इन अ केस वेयर द इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू अ ट्रांसफर्ड बाय करंट एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं, बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, और वो एम्प्लॉयर कौन है, एलिजिबल स्टार्टअप है, मतलब जो आज के डेट में स्टार्टअप कैटेगरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान के हिसाब से फिट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए कंसेशनल रेट. और आप ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी में दे रहे हो ना अपने एम्प्लॉय को, वो कंसेशनल रेट में दे रहे हो या फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हो. द इनकम टैक्स ऑन सच इनकम हैज टू बी पेड बाय द एसएससी विद इन 14 डेज फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. इसके बारे में जो इनकम टैक्स है, ये इक्विटी शेयर्स का जो भी अर्निंग आपको है, इसका इनकम टैक्स आपको फॉलोइंग डेट के अंदर करना पड़ेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय द एसएससी, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ एसएससी सीजिंग टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर हु अलॉटेड और ट्रांसफर्ड हिम सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स. मतलब उनका अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाते हैं तो इनके बीच में जो भी पहले आएगा, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, इन तीनों डेट के अंदर जो भी डेट पहले आएगा उसके अंदर उसको इसका जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ टैक्स है उनको पेमेंट करना पड़ेगा. तो एक स्पेशल बात है स्टार्टअप के केस में, कि स्टार्टअप अपने एम्प्लॉय को अगर स्वेट इक्विटी देते हैं जो एलिजिबल स्टार्टअप है 191 सबसेक्शन 2 के तहत, उन्हें भी डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ सकता है. ठीक है, और उनमें पेमेंट करने का जो डेट है वो आपको यहाँ पर बताया. ठीक है, डोंट वरी सर, आगे आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी हो जाएगा. चलो सर, अब बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट आने वाला है सर. ठीक है, ये कुछ मैंने स्पेशल पॉइंट आपको बताया, अब पॉपुलर पॉइंट जैसे कि सैलरी, जो आपको मैं शुरू में ही बता रहा था, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैं आपको सैलरी उठाया था, बिकॉज ये सबसे इजीली समझ में आता है. सेक्शन 192 बहुत ही फेमस सेक्शन है, बड़ा ही फेमस सेक्शन है सर. सैलरी सेक्शन 192 के तहत टीडीएस काटने का बात करता है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 192, दिस सेक्शन कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट पेबल. जो भी अमाउंट सैलरी के हिसाब से पेमेंट होता है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है. अब देखने का बात यही है, डिडक्शन कैसे मिलता है, मैनर कैसे होता है, इसका मैनर ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स थोड़ा सा देख लो सर. कहता है सर, लॉ क्या बोलता है, सच इनकम टैक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड एट एन एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स, मतलब बेसिकली स्लैब रेट के हिसाब से, फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड ऑन द एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द एसएससी. देयरफॉर द लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन केस ऑफ सैलरी अराइजेस ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट. हाउएवर इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय इंटेंट टू ऑफर कंसेशनल रेट, सर ये कंसेशनल रेट क्या है, जो रिसेंटली एक डिस्काउंटेड सेक्शन चलता है ना 115 BSE, आप लोग पहले भी बहुत सारा क्लास में इसके बारे में सुनते हो. हाँ सर, 115 BSE के बारे में पहले भी आप लोग सुने हो बेसिक्स में या फिर किसी और क्लासेस में भी, है ना,
जो डिस्काउंट रेट है, ठीक है, जिसमें इनकम टैक्स जो पेमेंट होते हैं वो काफी डिस्काउंट रेट में पेमेंट होते हैं, तो वहां पर अगर आपको कुछ डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा। इन केस एन एम्प्लॉई इंटेंड्स टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएससी एंड ही इंटीमेट्स टू द डिडक्टर, वो डिडक्टर को बता देते हैं बीइंग हिज एम्प्लॉयर फॉर सच इंटेंशन, देन द एम्प्लॉयर शैल कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड डिडक्ट टैक्स देयर ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। इफ सच इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉई, द एम्प्लॉयर शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स विदाउट कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। फॉर डिटेल डिस्कशंस, इसके लिए हमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जब करेंगे आपको मैं डिटेल्स में बात करूंगा 115 बीएससी में कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली ये आज का जो चर्चा मैं कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आज आपको प्रोविजंस का आइडिया दे रहा हूँ, कल जब मैं आपको टोटल इनकम कराऊंगा तो ये वेरियस काइंड्स ऑफ जो सेक्शंस का इस्तेमाल है या यूज है आपको एक्चुअली पता चलेगा। मतलब सिर्फ इसमें कुछ चीजें पता करने लायक है, बट टोटल इनकम के साथ जब आप लोग इसको मतलब कम्युनिकेट कर पाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या कम्युनिकेट हो रहा है और नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स द रेट अराइव बाय द डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मैंडेटरी परक्विजिट हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A एंड 1B। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट द एम्प्लॉयर मे पे दिस टैक्स एट हिज ऑप्शन इन लिए ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉई। सच टैक्स विल हैव टू बी वर्कड आउट एट द एवरेज रेट एप्लीकेबल टू द एग्रीगेट सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉई एंड पेमेंट ऑफ टैक्स विल हैव टू बी मेड एवरी मंथ along with tax deducted at source on monetary payment of salary and allowance etc. ab ye sab ka istemal kaise hoga ye main aapko kuch questions kara ke batata hu just a minute. yes, chalo main aapko ek do question karata hu to aapko na thoda sa connectivity judega ki sir tds ka kaise calculations hota hai aapko ek idea lag jana chahiye. बहुत सारा सेक्शन तो है, सभी सेक्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सेक्शन पढ़ पाओगे तभी आपको एक्चुअली आपको पता है कि बिना सेक्शन पढ़े बिना आप टैक्स का जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। सो टैक्स में शॉर्टकट अपनाने का कोशिश कभी ना करें, ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना चाहिए। बट एक बार आपको मैं कुछ प्रोविजंस बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई हो क्या रहा है। जैसे सर ये 194A के बारे में आ गया सर, ऐसे मैं ऑलरेडी आपको 194 कुछ देर पहले ही पढ़ा रहा था। Now point is that examine the implication of TDS under section 194A in the cases mentioned there under, ठीक है। 194A के अंदर TDS calculus करने के लिए आपको बता रहा है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ो, तो आपको मैं फिर से 194A बताऊंगा और फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि TDS कैसे आपको हेल्प करेगा। On 1st October 2021 Mr. Harish made a 6 month FD, हरीश ने एक 6 महीने का FD करवाया। कहां पर एफडी कहां होता है? बैंक। थैंक यू सर। तो मिस्टर हरीश मेड ए 6 मंथ एफडी ऑफ रुपीज 10 लाख एट द रेट 9% पर एनम विद एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। एफडी मैच्योर्स ऑन 31 मार्च 2022, और ये एफडी मैच्योर कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। सर कितना दिन का है प्लीज टेल मी? 6 मंथ। थैंक यू। डेट काउंट कर लीजिएगा, बिकॉज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के टाइम पे महीना डेट बहुत वाइटल होता है। ऑन 1st June 2021 मिस्टर गणेश मेड 391 एफ डी ऑफ 3 लाख ईच, ठीक है। 391 एफ डी, 3 9 महीने का एफ डी किया है उन्होंने, ईच कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विद द्वारका ब्रांच। सर द्वारका आपका दिल्ली में है मोस्ट प्रोबेबली, दिल्ली में जगह, दिल्ली में है जगह। ऐसे द्वारिका एक जगह, एक राज्य है, एक शहर है आपका द्वारिकाधीश, जो हमारे चार धाम के अंदर आता है, जो श्री कृष्ण भगवान का कैपिटल सिटी हुआ करता था, जो समुंदर के नीचे पाया गया है। नासा ने भी उसको सैटेलाइट व्यू भी दिखाया और हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी दिखाया कि द्वारिका जो आज से कम 5000 ईयर्स पुराना शहर है, ठीक है, आज भी द्वारिका है लेकिन वो बाद में बनाया गया। जनकपुरी ये भी दिल्ली में है एंड रोहिणी ये भी दिल्ली में है, ठीक है। तो द्वारिका ब्रांच, द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ एक्स वाई जेड बैंक, अ बैंक विच एज एडेप्टेड सीबीएस। और ये जो बैंक है ये सीबीएस
से कनेक्टेड है. सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम. सीबीएस का मतलब क्या है सर? कोर बैंकिंग सिस्टम. अब कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है आप लोगों को पता है कोर बैंकिंग क्या है आजकल? नहीं सर. सर क्या बात करते हो सर, किसी भी बैंक में पैसा डालो ठीक है, सारे बैंक के होंगे একটা অ্যাকাউন্টে সঙ্গে অন্য অ্যাকাউন্টে ইন্টারকানেক্টেড থাকে. यस सर ठीक है, दैट इज कॉल्ड. ओ हां समझ गया. चेक देके आप निकाल सकते हो दूसरे बैंक का भी. यस तभी तो कर सकते हो ना, नाम नहीं पता. हां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक आईसीआईसीआई बैंक में क्लियर हो जाता है ना. आईसीआईसीआई बैंक का चेक स्टेट बैंक में क्लियर हो जाता है. आप किसी भी बैंक से, जैसे आप किसी भी एटीएम से किसी और बैंक से पैसा उठा सकते हो. यस और नो? यस सर. आपके पास आईसीआईसीआई का एटीएम कार्ड है लेकिन आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसा उठा सकते हो. हाँ थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है, थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगेगा अगर दूसरा बैंक है, लेकिन उठा सकते कि नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते. यस सर. है ना, ये सब सिस्टम बाद में आया हमारे देश में ठीक है. सॉफ्टवेयर जब से डेवलप हुआ, इन्फोसिस इसके ऊपर काम किया सर. इन्फोसिस भारत का ये कोर बैंकिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. तो क्वेश्चन नहीं है. तो ये सीबीएस सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब आप किसी भी ब्रांच में पैसा डालो वो कनेक्टेड है ठीक है. द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 28 फरवरी 2022. तो 1/6/2021 से 28 फरवरी 2022 तक का एफडी है. अच्छा थर्ड केस है 1/10/2021. मिस्टर राजेश स्टार्टेड 6 months रिकरिंग डिपॉजिट आरडी ऑफ ₹2 lakh पर मंथ 8% पर एनम विथ पीक्यूआर बैंक. द रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर्स 31 मार्च 2022 ठीक है. ये जो आरडी है ये मैच्योर करेगा 31 मार्च 2022 को. तो ये आपके सामने दिया है और आपको इस हर एक सेक्शन पे टीडीएस इम्प्लीकेशंस के बारे में सवाल करता है. किसके बारे में सवाल करता है? इस हर एक एफडी के केस में टीडीएस इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको क्वेश्चन करता है. सर मैं आपको 194A का एक बार नॉलेज देना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का बात करूँगा ठीक है सर. तो चलो ऐसे में 194A थोड़ा समरी कुछ देर पहले ही आपको बता रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 194A को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ ले तो और मज़ा आ जाएगा. डिविडेंड 194 में बोला है और ये रखो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 194A में बोला है. दिखाई दे रहा है क्या? हेलो. यस सर. ठीक है. तो सर दिस सेक्शन डील्स विद द स्कीम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड ठीक है डिवेंचर्स, इसको छोड़ के दूसरे किसी चीज में जब इंटरेस्ट का बात होता है उस पर टीडीएस का क्या इम्प्लीकेशन है वो 194A बताते हैं. द मेन प्रोविजंस आर द फॉलोइंग. तो चलो मैं आपको प्रोविजंस पढ़ाता हूँ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराने का बताता हूँ ठीक है. करने के लिए पहले आपको प्रोविजंस आएगा, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन का जवाब होगा. अदरवाइज क्वेश्चन तो क्या बोलते हैं आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा. एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194A. दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज क्या है? कंपनी लॉ में पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे सर. सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटी लॉ में पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे जो लोग सिक्योरिटी लॉ का क्लास करते हो एग्जीक्यूटिव फाइनल लेवल के लिए ठीक है. सो सिक्योरिटी क्या है मैं बार बार और कितना बोलूं? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स ओनली टू इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्रेडिटेड और पेड बाय एसएससी अदर देन इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हाउएवर अच्छा किसके किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? अदर देन इंडिविजुअल्स और पेड बाय एसएससी अदर देन इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ठीक है. दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्रेडिटेड और पेड बाय एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एंड ईच्यूएफ ठीक है. However, an individual or each of undivided family whose total sales or gross receipt, जो undivided family में रहते हैं मतलब nuclear family में रहते हैं इनका gross receipt or turnover from business or professions carried on by him 1 crore से ज़्यादा है in case of business and 50 lakh से ज़्यादा है in case of professions during the immediately preceding year, preceding financial year is liable to deduct tax at source under this section. ठीक है. तो फिर normal individual HF तो इसके अंदर नहीं है, but अगर कोई individual या अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी है ठीक है. अच्छा सॉरी सर मैंने न्यूक्लियर फैमिली का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इंडिविजुअल है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिनका टोटल सेल्स
एक नॉर्मली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल्स इसके अंदर नहीं आता, बट अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल्स, ठीक है सॉरी न्यूक्लियर नहीं सर, ज्वाइंट फैमिली का ही बात चल रहा है सर, यहाँ पर कोई ऐसा न्यूक्लियर फैमिली का बात नहीं है, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली या इंडिविजुअल्स का इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो या 50 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, तो इन दैट केस उनको 194 एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई बात है नहीं। दिस प्रोविजन शैल अप्लाई ओनली टू इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू रेसिडेंट, और ये जो प्रोविजन है ये इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू रेसिडेंट होगा। सर टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होगा? द रिडक्शन ऑफ टैक्स मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सच इंटरेस्ट टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ इट्स पेमेंट इन कैश और बाई एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर। जब आप अकाउंट में पेमेंट करोगे तब, या फिर जब कैश पेमेंट करोगे तब, या फिर जो पहले होगा तब। वेयर एनी सच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन लायबल टू पे सच इनकम, सच क्रेडिटिंग इज डीम्ड टू बी क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई and the tax has to be deducted at source. The account to which such interest is credited may be called interest payable account or suspense account. जहाँ पर ये credit होगा इसको interest payment account या suspense account के नाम से जाना जा सकता है और by any other name या फिर कोई भी और नाम पे बोला जा सकता है। CBDT मतलब Central Board of Direct Tax इसका एक circular लाया था 2010 में, given a clarification regarding deduction of tax at source on payment of interest on time deposit. Time deposit का मतलब होता है FD, okay? टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। प्लीज मैं बता देता हूँ जिनको टाइम डिपॉजिट वर्ड कभी पहले नहीं सुना उनके लिए बोल रहा हूँ सर, टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, FD होता है सर, ठीक है, अंडर सेक्शन 194A बाई बैंक्स फॉलोइंग कोर बैंकिंग कोर ब्रांच बैंकिंग सोल्यूशन दैट इज CBS सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो अभी आपको मैं सॉफ्टवेयर का स्टोरी बता रहा था। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194A इज नॉट मीन टू अप्लाई इन केस ऑफ बैंक्स where credit is made to providing account on daily or monthly basis for the purpose of macro monitoring only by the use of CBS software. It has been further clarified that since no constructive credit to the depositors or payees account takes place while calculating interest on time deposit on daily or monthly basis in the CBS software used by banks, tax need not be deducted at source on such providing for provisioning of interest by banks for the purpose of macro monitoring only. In such cases, tax shall be deducted at source on accrual of interest at the end of the financial year or a periodic intervals as per practice of the bank. So basically, banking system में जैसे interest वगैरह मिलता है, अब उसी matter को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। The time of making of payment of tax deducted at source would be reckoned from the date of receipt of interest made constructively to the account of the payee. जिस दिन से वो interest जमा होना चालू होगा constructively, उसी दिन को माना जाएगा। Rate of tax जो आपके लिए एक vital point है सर। The rate at which the deduction is to be made is given in Part 2 of the First Schedule of the Annual Finance Act. ठीक है, Part 2 of the First Schedule of the Annual Finance Act में rate के बारे में बोला है, that is 10% both in case of non-corporate resident SSE and domestic company. दोनों के लिए 10% TDS काटने का बात किया है. Non-applicability of TDS under Section 194A. सर कब कब TDS applicable नहीं होगा? इसका भी एक knowledge दे लो. 194A के तहत कब कब TDS काटोगे नहीं? ठीक है? मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस कब कब टीडीएस काटने में काम नहीं करेगा। फर्स्ट, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 5,000। अगर इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो अगर 5,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है, और एक लिमिट है सर, द लिमिट इज 40,000 वेयर द पेयर इज ए बैंकिंग कंपनी। अगर पेयर जो पेमेंट कर रहा है अगर वो बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, और 40,000 लिमिट है उनपे। अगर पेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, मतलब कोई कोऑपरेटिव बैंक का बात कर रहे हैं, कोई पोस्ट ऑफिस एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट अंडर नोटिफाइड स्कीम्स, ठीक है, अगर ये लोग पेमेंट करते हैं और 40,000 का लिमिट इनके लिए बांध दिया गया, ठीक है, ऐसे केस में भी TDS नहीं काटेगा। 40,000 क्रॉस करेगा तो TDS काटेगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ 1, 2, 3 ऑफ द अबव द लिमिट इज 50,000 इन केस ऑफ पेईज बीइंग ए पेई बीइंग ए सीनियर सिटीजन। अच्छा, ये जो पहला 1, 2, 3 नंबर आपने पढ़ा, ठीक है, बैंकिंग कोऑपरेटिव बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस या फिर नोटिफाइड स्कीम के तहत जो भी पेमेंट करेगा 194A के तहत TDS काटना चाहिए। बट अगर 40,000 तक का पेमेंट है तो नो TDS, ठीक है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5,000 क्रॉस नहीं करता है तो नो TDS। लेकिन ये 40,000 एक्सटेंड करके 50,000 तक जा सकता है अगर पेमेंट जिनको करेगा बैंक वो अगर सीनियर सिटीजन है तो। क्लियर है बात? बोलो सर, यहाँ तक क्लियर है? Please tell me.
समझ में आया कि नहीं आया? है सर। अब इसी चीज को ये देखो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था 194A के तहत, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 50,000, ठीक है, तो फिर बैंक के थ्रू से जो मिल रहा है तो डिडक्शन नहीं होगा, मतलब कोई TDS नहीं काटा जाएगा। अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने देख रहा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने केस बता दिया था कि क्या क्या सिनेरियो हमारे पास है। पहला सिनेरियो क्या है सर? सर 1st October 2021 को मिस्टर हरीश मेडे 6 months FD 10 lakh at the rate 9% पा रहा ना with ABC कोऑपरेटिव बैंक। ABC कोऑपरेटिव बैंक है और फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होता है 31 मार्च 2022 को। तो TDS का क्या कैलकुलेशन हो जाएगा सर? देखो सर, ABC कोऑपरेटिव बैंक हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अच्छा, टैक्स काटेगा कि नहीं काटेगा? TDS डिडक्ट होगा कि नहीं होगा, पहले ये तो बता दो मुझे, यस और नो? होगा सर, होगा। ठीक है, कितना रेट होगा? 10% होगा। किसके ऊपर होगा? इंटरेस्ट के ऊपर होगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। नाउ तो सर आपने FD कितने का किया? 10 लाख का। तो 10 लाख का 9% है ना, कितना होता है? 90,000। लेकिन आपका अमाउंट कितने दिन में मैच्योर हो रहा है? 6 महीने के लिए। तो हाफ कर देंगे एनुअल का 45,000। तो 90,000 का हाफ होगा तो 45,000। तो दिस शुड बी योर अमाउंट। तो 45,000 अंडर सेक्शन 194A ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। और टैक्स कितना काटोगे? इसका इंटरेस्ट का 10%, 4500। 45,000 का 10%, मतलब 4,500। क्लियर हुआ? बोलो सर। यस सर। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। रोशनी, नंदिनी, प्रियाक्षी, बोलो सर। स्नेह, संपद, एनी क्वेश्चन सर? नो सर। तो ये 4,500 का TDS काटेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था सर, ऑन 1st June 2021 मिस्टर गणेश मेड 3 9-month FD 3 lakh ईच कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच, XYZ बैंक। बैंक का CBS सिस्टम है। द FD मैच्योर 28 February 2022। चलो बढ़िया है, TDS तो कटेगा, एकदम बिल्कुल कटेगा। लेकिन सर ये जॉइंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल अमाउंट जो है टोटल FD 3 लाख का है, ठीक है, 9% है और अलग अलग ब्रांच में है। अच्छा, 9 month FD of 3 lakh each। अच्छा, एक FD 3 लाख का है, बढ़िया है। अच्छा, 9% करके इंटरेस्ट भी बताया जा रहा है और अलग अलग तीनों ब्रांच में है और बैंक का CBCS सिस्टम भी है और 28 फरवरी को मैच्योर भी हो रहा है। तो XYZ का TDS अमाउंट तो 10% होगा एज पर 194A, ठीक है। तो जब भी कोई रेट लिखोगे सेक्शन मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। 10% यूज़ करोगे तो किस सेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो मत भूलिएगा, ठीक है, और नॉलेज में भी रखिएगा। स्पेशली चार्टर्ड के केस में, CMA के केस में यू हैव टू राइट डाउन, और CS के केस में आपको नॉलेज में आना चाहिए, तभी आपका उसका जवाब पता चलेगा। सिंस द एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन FD विद द 3 ब्रांच ऑफ बैंक कितना होगा? 3 लाख का 60750 है ना, 3 लाख 3 ब्रांच में, तो कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख का 9% इंटरेस्ट है और आपका पैसा कितना दिन के लिए है? 28 फरवरी तक है और 1st June से, तो 1st June से 28 फरवरी आप करोगे ना तो आपको 9 मंथ मिल जाएगा। 1st June to 28th Feb, ठीक है, ये 9 मंथ का इंटरेस्ट आपका चार्ज हो जाएगा। तो विच एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? अगर आप करके देखोगे 9 लाख का 9% इंटू 9/12 कितना हो जाता है सर? 60750। तो सर बैंक का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 40,000 है, ठीक है। 40,000 तक करेगा तो बैंक को कोई TDS काटने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बैंक 40,000 से ज्यादा करेगा तो TDS काटना पड़ेगा। यस सर।
Since XYZ Bank has adopted CBS, the aggregate interest credited or paid by all branches has to be considered. क्योंकि ये CBS है और सभी ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है? Since the aggregate interest 6750 exceed the threshold limit of 40, tax has to be deducted at the rate 10%. तो 6750 का 10% काट लेगा 194A के तहत. क्लियर हुआ? यस सर. फर्स्ट अक्टूबर 2021 को राजेश ने 6 months का रिकरिंग डिपॉजिट किया, आरडी किया 2 लाख का पर मंथ 8% पर एनम पीक्यूआर बैंक में. आरडी मैच्योर होगा 31 मार्च 2022 को. कितना दिन का हुआ फिर सर? कब किया एक बार डेट बताना. फर्स्ट अक्टूबर को. अक्टूबर से लेके फरवरी तक. अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक. 31 में 6 महीना. 6 महीना 8% पर एनम करके इसका इंटरेस्ट है और आरडी है 2 लाख का पर मंथ. यस 48,000. कितना? 48,000 बता रहा है. 48,000 दो लाख का 8% कितना होता है? 2 लाख का 8% 16,000. पर वो हर महीने भर रहा है ना सर, वो क्या कहते हैं 2 लाख. तो हाँ, तो 2 लाख अगर हर महीने करके, हाँ तो 6 महीना भरा, 12 लाख. हाँ तो 12 लाख का 8% कितना? वही तो 96,000. और पर तो 8% पर है ना होगा ना, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 भी तो करेंगे. 8% को आठ इंटरेस्ट रेट 8% तो पर एनम है ना, तो उसका आधा भी तो करेंगे ना. आधा तो 48,000 होगा. 96,000 का आधा करेंगे तो 46,000 हुआ. सॉरी 48,000 होगा. लेकिन सर आंसर बता रहा है 28,000. कैसे आएगा सर? थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा सर. देखो सर, 6 months रिकरिंग डिपॉजिट है. रिकरिंग डिपॉजिट 6 months का ही है, ठीक है? तो 6 months का आरडी है, 8% पर एनम रेट है, ठीक है? आप 2 लाख जमा कर रहे हो. थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज लगाना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. आप 2 लाख करके जमा कर रहे हो पर मंथ 8% के हिसाब से, 6 महीने का ही आरडी है, तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या है? 8% है. तो 6 months का ही तो है ना, 12 महीने के हिसाब से तो जाने का कोई मतलब नहीं होता. तो 2 लाख कर दे. हाँ बोलो. 8% को 4% कर दो तो वो 6 महीने के लिए हो गया. आधा कर देते अगर परसेंटेज को यहीं पे आधा कर देते. अगर 2 लाख का 4% करेंगे, 2 लाख का 4% 8,000 बताया. हाँ 8,000 × 6 महीना 48,000 होता है. नहीं सर, 48,000 तो आंसर नहीं है ना. आंसर इज 28,000 सर. 8% एनुअल इंटरेस्ट है. एनुअल इंटरेस्ट 8% है और ये 6 months में ये आपका बेसिकली मैच्योर करेगा. 6 months में मैच्योर करेगा. तो 6 months में मैच्योर करेगा तो 2 लाख करके आप जमा करते जाओगे. 2 लाख करके आप जमा करते जाओगे. 2 लाख हर महीना आपका जमा होता जाएगा. तो क्या ये, एक सेकंड सर होल्ड करो. एनुइटी करना पड़ेगा क्या? 8 / 100 + 1 / 8 =
किसी का आ रहा है 28,000 तो था रश्नी एनीवन 28,000 2 लाख का आरडी है सर एब्सोल्यूट रिटर्न तो बेसी है उसमें एनुइटी खोल ले हाँ देख हिसाब क्या है 2 लाख हर महीना डालेगा ठीक है तो उसका आंसर पढ़ो ना वो मतलब 28 को लिखा छोड़ के और भी कुछ लिखा होगा ना वहाँ पे नहीं 28,000 इसका मैच्योरिटी बता रहे हैं आंसर वही है 28,000 है और जो अगर 40,000 क्रॉस नहीं करेगा आंसर मतलब इसका आंसर यही है कि क्योंकि ये 40,000 क्रॉस नहीं कर रहा है तो फिर TDS नहीं काटेगा तो इसका मतलब क्या है इसका आंसर है 28,000 तो आपको वही देखना है कि 28,000 होता है कि नहीं होता होना तो चाहिए मुझे लगता है सर कुछ कुछ लैंग्वेज में हम लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या आप रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर करेगा 31 मार्च को कुछ तो मिसिंग हो रहा है मेरे से कॉन्सेप्ट इज दैट सर हम 2 लाख 2 लाख करके जमा करे जा रहे हैं है ना ये 0 ईयर अगर है कितना बार दे रहे हैं सर स्टार्टिंग में दे रहा है कि एंड पे दे रहा है कुछ बोला नहीं है 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख कितना बार देगा 6 बार देगा 1 2 3 4 5 6 2 लाख इंटरेस्ट इज 8% पर एनम बट ये मैच्योर हो जाएगा 6 मंथ्स में 6 by 12 एक साल में 6 हाँ तब आधा साल में हो जाएगा 6 by 12 2 लाख करके दे रहा है 8% इसका 8% इसका इंटरेस्ट है तो 8 by 8 को तोड़ने का जरूरत है क्या हाफ ईयरली इंटरेस्ट तो नहीं बोला तो फिर 8 को तोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है टेल मैच्योरिटी पे छुपा हुआ है सर रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है हाँ रेकरिंग मतलब बार बार जो डिपॉजिट करते हो सिमिलर अमाउंट जो आप बार बार डिपॉजिट करते हो वो होता है रेकरिंग आरडी बोलते इसको पॉपुलरली नोन एज आरडी एक सेकेंड रुको सर फिर थोड़ा ट्राई करता था मेरे से कुछ तो मिस हो रहा 2 लाख 2 लाख करके दे रहे हो जब सिमिलर अकाउंट डालते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू करेंगे हमें क्या चाहिए हमें तो इंटरेस्ट चाहिए मतलब बेसिकली 8% के कारण मेरा टोटल कितना आ रहा है मेरे को इंटरेस्ट रेट चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू करने से आएगा क्या सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी कैलकुलेटर में डाल सकते हो मेरे को लगता है हो जाना चाहिए नंबर ऑफ पीरियड्स रेट कंपाउंडिंग
झमेला करेगा, बहुत ज्यादा झमेला आ रहा है। रुको रुको तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनआईटी फॉर्मूलाटा কত আছে মনে আছে? a by i फ्यूचर वैल्यू से एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में देख के बता दूंगा आपको। सर 21,333 कौन से ये फ्यूचर वैल्यू है सर? फॉर्मूलाटा एक बार बोल। a by i 1 plus i whole to the power n minus 1 eta koreches? yes sir, yahi hai. yes sir. to amount kitna hai? 2 lakh yahi hai na? ye missing hai nahi, iska percentage pata hai, amount nahi pata, interest amount nahi pata, to fir yahi to missing hoga na. ये 2 लाख है क्या? या ये 2 लाख तो मेरा आरडी अमाउंट है। 1 plus i 1 to the power n, n की जगह क्या आएगा? 6 months है ना? तो n आ जाएगा 6 by 12 कर सकते हैं आप, माइनस 1 2 लाख बाई i, ऐसे i सॉल्व करने से क्या निकलेगा? अच्छा ठीक है, मैं इसको बाद में देखता हूँ इसका क्या हिसाब दिया है, मुझे फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है सर 28,000 कैसे होगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि एज पर 194A अगर ये 28,000 होता है तो फिर इसमें TDS नहीं काटेगा। चलो आ जाओ सर टैक्स में आ जाओ, और फाइनेंस का क्या कैलकुलेशन ये लोग किया है, क्यों 28,000 बता रहा है? मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था, अगर हो जाता तो सही था, बट अगर कुछ और फार्मूला है जो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, अगर कुछ होगा तो मैं आपको कल के क्लास में बता दूंगा। ठीक है सर, ओके, अगर कुछ भी 28,000 के लायक कुछ मुझे दिखता है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कल। तो फिलहाल इतना याद रखो कि एज पर 194A बाई PQR बैंक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 28,000 अगर ये 28,000 होता है, ठीक है, सो TDS काटने का जरूरत नहीं है, बट अगर 28,000 तो 40,000 क्रॉस करता है तो TDS काटने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक बोल समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैं यहाँ पर फाइनेंस का मैथ्स नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये कैसे आया कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि किस तरह से सेक्शन का इस्तेमाल हुआ 194A का, और TDS कब काटेगा और कब नहीं काटेगा, इसके बीच का फर्क समझ में आया कि नहीं आया, ये बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ। हेलो बोझा अच्छे से, ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं कल बता देता हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ है, हो सकता है फिर हम लोग गलत हैं कि वो 40,000-80,000 ही होगा जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेशन पे, लेकिन अगर बाई चांस कुछ मिसिंग है तो वो मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर 48,000 होगा तब तो आंसर गलत दिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत गड़बड़ हमसे हो रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ABC Limited makes the following payments to Mr. X, a contractor for contract work during previous year 21-22. ठीक है, ABC Limited कुछ पेमेंट किया Mr. X को, जो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, ABC Limited makes the following payment to Mr. X, a contractor for contract work during previous year 21-22. सर क्या क्या पेमेंट किया देखो, सर 20,000 पेमेंट किया 1 मई 2021 को, 25,000 पेमेंट किया 1 अगस्त 2021 को, 28,000 पेमेंट किया 1 दिसंबर 2021 को, on 1st March 2022 a payment of 30,000 is due to Mr. X on account of contract work. ये 2022 मार्च का बात है जिसमें Mr. X को 30,000 का ड्यू है, मतलब पेमेंट करना है और बाकी पेमेंट कर दिया।
डिस्कस वेदर एबीसी लिमिटेड इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, क्या एबीसी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने से पहले टैक्स कलेक्ट करेगा, और ये बेसिकली 194C के तहत होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये TDS का कॉन्सेप्ट 194C में बोला है। तो क्या आपको उससे पहले 194C का नॉलेज लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो चलो सर, मैं आपको 194C का थोड़ा सा गहराई से बता देता हूँ, फिर आप आराम से बैठे बैठे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो 194C, तो 194C क्या बात करता है सर? सर 194C एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194C का बात करता है, एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पेमेंट करते हैं, उसके बारे में बात करता है ये। तो जब कोई कंपनी किसी को कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम देता है और कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जब भी पेमेंट देता है या सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट देता है, तो TDS काट के पेमेंट करना चाहिए, ठीक है? तो इसका पूरा परमिशन या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट 194C के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो सेक्शन 194C प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C बाई एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू ए रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ वर्क, है ना, किसी भी तरह का काम जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से उनको मिलता है, इन परस्यूएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एनी कंपनी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं, एनी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी डीलिंग विद हाउसिंग अकोमोडेशन, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एनी ट्रस्ट, एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल एक्ट, ठीक है, एनी फार्म गवर्नमेंट और फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइज और एनी एसोसिएशन और बॉडी एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, एनी पर्सन इन बींग एन इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI who has total sales, gross receipt or turnover from the business or professions carried on by him, जिनका अगर कोई HUF है, कोई AOP है, कोई BOI है, या फिर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, जिनका बिजनेस इनकम अगर 1 crore से ज़्यादा है, प्रोफेशनल रिसिप्ट अगर 50 lakh से ज़्यादा है, तो उन्हें भी ये TDS काट के ही कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। ये बता दिया सर, ठीक है, अब TDS काट के पेमेंट करो। अच्छा, टाइम ऑफ डिडक्शंस कब करना है? सर टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम और द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर व्हिच एवर इज अर्लियर। वेयर एनी सच सम इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन लायबल टू पे सच इनकम, सच क्रेडिटिंग इज डीम्ड टू बी क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई एंड द टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। द अकाउंट ऑफ टू व्हिच सम इज क्रेडिटेड मे बी कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट और एनी अदर नेम। ठीक है सर, रेट कितना है ये बता दो, यही वाइटल था सर। यस, रेट के बारे में जान लो। सर रेट का कुछ ऐसा है, अगर इंडिविजुअल HUF कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इंडिविजुअल HUF या सब कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, तो 1% TDS काटना पड़ेगा। अगर अदर देन इंडिविजुअल HUF या सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो HUF कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब अदर देन इंडिविजुअल HUF और सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो वो 2% काट करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अलग अलग फैक्ट्री वगैरह में गाड़ी सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारा गाड़ी का नॉलेज है या कनेक्शन है, तो आप फैक्ट्री को गाड़ी सप्लाई करते हो, ट्रक सप्लाई करते हो, जो ट्रक अल्टीमेटली लोड करके अलग अलग दिशा में भारत में बिजनेस कराते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर जो है, इफ पैन इज फर्निस्ड तो TDS नील है, और अगर सब कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, अगर पैन फर्निश करता है तो भी TDS रेट नील है। तो फिर आई होप कि आपको समझ में आया कि ट्रांसपोर्ट के केस में पैन फर्निश करने से TDS नील हो जाएगा, बट अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस हो, अगर उसमें इंडिविजुअल और HUF कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, या अदर देन इंडिविजुअल HUF सब कॉन्ट्रैक्टर हो, इंडिविजुअल के केस में 1% का TDS और अदर देन इंडिविजुअल के केस में 2% का TDS का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये है 194C का कॉन्सेप्ट। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट भी कुछ है सर, ये भी देख लो, लिमिट कुछ बांधा है, नो डिडक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इफ द कंसीडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 30,000। अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 30,000 से कम है तो TDS काटने का जरूरत नहीं है। हाउएवर, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट बीइंग स्प्लिट अप इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं ना, जानबूझ के पेमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने से क्या होता है, अलग अलग 30,000 का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उसमें क्या करता है कि अगर आप अलग अलग कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो बीइंग स्प्लिट अप इनटू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट लेस देन 30,000 टू अवॉइड टैक्स डिडक्शंस, ताकि टैक्स ना काटना पड़े। इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स
where the amount created or paid or likely to be created or paid to a contractor or subcontractor exceeds 30,000 in a single payment or 1 lakh in the aggregate during a financial year. अगर आपका composite payment 1 lakh cross करता है तो payment करना है, single payment 30,000 cross करता है तो TDS payment करना है, ठीक है? Therefore, even if a single payment to a contractor does not exceed 30,000, TDS provision under section 194C would attract it. तभी attracted हो जाएगा जहां पर aggregate of the total, ठीक है, जो aggregate बनेगा, the amount of such sum creditor or paid or likely to be created or paid to the contractor during the financial year exceeds 1 lakh, ठीक है? अगर इंडिविजुअल पेमेंट 1 लाख क्रॉस कर जाता है, ठीक है, 30,000 के बाद अगर 1 लाख क्रॉस कर जाए तो फिर आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो कॉम्पोजिट में हो जाएगा. फाइनेंशियल ईयर में टोटल अगर 1 लाख क्रॉस कर जाए तो फिर वो टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा. तो अगर आपको इतना तक समझ में आ गया हो तो अभी क्वेश्चन देखो, 194C, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर. एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, मिस्टर एक्स ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑफ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 21-22, तो 20,000 फर्स्ट मई 2021, 25,000 फर्स्ट अगस्त 2021, 28,000 फर्स्ट दिसंबर 2021 और फर्स्ट मार्च 2022 को 30,000 का ड्यू है. तब मुझे बताओ वेदर एबीसी लिमिटेड इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C फ्रॉम द पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स. चलो 30,000 से इंक्रीज था शेयर का पेमेंट, तो 20-25 ऐसे ही रहा है. अगर ड्यू अमाउंट पेमेंट करता है तो देना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो देने का जरूरत नहीं पड़ेगा. यस सर, ठीक है, वेरी गुड सर. इस केस का क्या हालत हुआ देखो, इन दिस केस द इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स डज नॉट एक्सीड 30,000. इंडिविजुअल में 30,000 कोई भी क्रॉस नहीं किया. हाउएवर सिंस द एग्री अमाउंट पेड टू मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एक्सीड 1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ द लास्ट पेमेंट ऑफ 30,000 ड्यू ऑन 31st मार्च 2022 टेकिंग द टोटल सम 73,000 टू 103,000, है ना, बाकी 73,000 हो रहा था और ये इसको लेके 103,000 हो जाएगा. द टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194C वुड गेट अट्रैक्टेड. टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट 1% ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 103,000 फ्रॉम द लास्ट पेमेंट ऑफ 30,000 एंड द बैलेंस ऑफ रुपीज दैट इज 30,000 का, मतलब क्या हो जाएगा, 1,03,000 का 1%, ठीक है, 1,03,000 का 1% मतलब 1,030, ठीक है, और ये जो ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 1,03,000 फ्रॉम द लास्ट पेमेंट ऑफ 30,000 एंड द बैलेंस ऑफ, मतलब 30,000 से अगर आप 1,030 लेस कर दो तो बचता कितना है, 28,970, ठीक है, हैज टू बी पेड टू मिस्टर एक्स. ये अमाउंट मिस्टर एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था. मतलब बेसिकली ये मिस्टर एक्स को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, और किसको, एबीसी लिमिटेड को, और बाकी टैक्स का अमाउंट 1030 जो काट के ही पेमेंट होगा. तो एबीसी लिमिटेड मिस्टर एक्स को 1030, मतलब जो भी पेमेंट टोटल करेगा, ठीक है, ऐसे तो देखो ये सब पेमेंट तो कर दिया, 20,000, 25,000, 28,000, है ना, ये सब पेमेंट हो गया, बाकी रहा 30,000 जो एबीसी लिमिटेड एक्स को पेमेंट करेगा. एबीसी लिमिटेड को एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, तो अगर आप 30,000 को इंक्लूड करोगे तो आपका टैक्स अमाउंट आता है 1,030, बिकॉज एंड इन दैट केस आपका टोटल वैल्यू 1,03,000 आता है जो 1 लाख क्रॉस करता है. तो टैक्स अमाउंट तो आपका 1,030 हो जाता है, लेकिन आपका लास्ट पेमेंट 30,000 बाकी था. तो अगर ये पेमेंट हो जाता है तो बैलेंस कितना बचेगा, 30,000 से ये 1,030 को लेस कर दो, ठीक है, तो 30,000 से 1,030 लेस होने के बाद 28,970 जो बचा है वो हैज टू बी पेड टू मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर. जो इधर तो সেই ক্ষেত্রে যদি ধরুন মানে এই চারটি অ্যামাউন্টই ধরুন পেমেন্ট করা রয়েছে তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে এটা আসবে না, তাহলে কি লেস হবে না, লেস তো হতেই হবে স্যার, কেন লেস করতে হবে, যদি চারটি পেমেন্ট করা হয়ে গেছে তাহলে আর কেন করতে. তো হয়ে গেলে করতে পারবে না,
যদি চারটে অ্যামাউন্টই পেমেন্ট হয়ে গেছে তাহলে শুধু ট্যাক্সটা আসবে, মানে 1030টাই শুধু পেমেন্ট হবে, টিডিএস কাটবে আর কি। এখানে তো 30,000 ইজ ডিউ টু মিস্টার এক্স আছে না, মানে মিস্টার এক্স এখনো এবিসি লিমিটেড এখনো মিস্টার এক্স পেমেন্ট করেনি তো। হ্যাঁ, এবার সেটাই বলছি স্যার, এখান থেকে তাহলে 30,000 টাকা থেকে সেক্ষেত্রে 1030 কেটে তাকে 28,970 টাকা দিল। হ্যাঁ, যেটা বাকি ছিল সেটা দিয়ে দিল, ট্যাক্সটা, হ্যাঁ ট্যাক্সটা বাদ চলে গেল, বাকিটা সেই ক্ষেত্রে ধরুন 30,000 টাকাটা তার আগে দেওয়া হয়ে গেছিল, তাহলে এবার যে 1030টা যেটা ওদের হচ্ছে সেটা এবার কখন কাটবে? সেই ক্ষেত্রে কখন কাটবে ট্যাক্স? তো যে বছরের ট্যাক্স ওই বছর কেটে নেবে, যে যে সাল কা ট্যাক্স হ্যায় উস সাল কাট লেগা। আর ইয়ে ইয়ে আগে কেটে নেবে, হ্যাঁ যখনই পেমেন্ট রিসিভ করতে কেটে নিতে। সেই ক্ষেত্রে ইন দ্যাট কেস ইয়ে 28,970 কা যে পেমেন্ট বাকি হ্যায় ইয়ে বাকি ডিউ দিখানে কা জরুরত নেই পড়ে, বাস দিলাই। तो अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है ना, तो इसके अंदर काफ़ी सारा इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा और काफ़ी सारा आपको प्रोविजंस भी पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे कि इसके अंदर समरी नोट्स भी दिया हुआ है, तो आप समरी से भी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अलग अलग प्रोविजंस को डिटेल्स में पढ़ के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हो। आप कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट आता है आपको, ठीक है, अगर कोई डाउट बीच में आता है आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं ना एक काम करूंगा, कल के क्लास में आपको मैं कंप्लीट सम्स कराऊंगा, दो तीन कोशिश करूंगा, और कंप्लीट सम्स के अंदर ये टीडीएस का क्या एडजस्टमेंट होता है, एडवांस टैक्स का क्या एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, या टीसीएस रहेगा तो उसका क्या एडजस्टमेंट होता है, इसका एक रफ आइडिया, मतलब एक कम्प्लीट आइडिया मैं कल कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ ये मतलब अभी क्या है ना, टोटल इनकम, एडवांस टैक्स, टीसीएस, टीडीएस, टीसीएस का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं पैरेलली चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टोटल इनकम के अंदर ही इसका रियल एडजस्टमेंट समझ में आता है, ठीक है, इसलिए मैं पैरेलली ये दोनों को चलाऊंगा, ठीक है। और ये जो आज एक क्वेश्चन था 28,000 का, क्या कैलकुलेशन समझ में नहीं आया किसी को, मैं एक बार देखूंगा घर पे, अगर कुछ ऐसे गड़बड़ है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, वो जो क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा था हम लोगों का कॉन्सेप्ट। बस आज इतना ही है सर, कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है सर, बाय सर, ओके सर, टाटा। এই